नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं हूं आस्तिक धीमान। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो की कलेक्शन जो मेरे पीछे पड़ी है, कि मेरे पास कितनी स्कॉर्पियोज हैं। कैमरा फ्लिप करते ही आप देख सकते हो मेरे स्कॉर्पियो की कलेक्शन जो है, ये सारे स्केल मॉडल्स हैं 1:32 स्केल में, एंड कुछ 3D प्रिंटेड हैं, एंड कुछ क्या बोलते हैं प्लास्टिक के मॉडल हैं, एंड कुछ मेटल वाले भी हैं। कुछ नहीं, आई थिंक ओनली वन ये मेटल वाला है। चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। तो आप ये जितनी स्कॉर्पियोज देख रहे हो सारी मेरी हैं, सिर्फ ये वाली छोड़ के ये किसी कस्टमर की है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बीच में रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं ये स्कॉर्पियो, ये है फर्स्ट जनरेशन की फेसलिफ्ट। आई थिंक ये 2007 में आई थी इसकी फेसलिफ्ट, एंड ये शिंजाई मॉडल्स ने बनाई हुई है। ये देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे, इसमें तो मिनी टॉय लिखा हुआ, मिनी टॉय भी शिंजाई की कंपनी है। तो ये इसके मैंने बम्पर्स ब्लैक करे हुए हैं, इसमें स्टिकर्स लगाए हुए हैं, एंड ये मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है नहीं। अभी भी आपको शायद मार्केट में मिल जाए या ऑनलाइन अमेजोन पर मिल जाए, अगर होगा तो मैं नीचे लिंक ज़रूर डाल दूंगा। तो ये भी आप अगर बाय करना चाहते हो तो आई थिंक अवेलेबल है मार्केट में। तो आई थिंक मेरे पास एक और स्कॉर्पियो साइड से निकालता हूँ, वो भी पड़ी है मेरे पास, जो मार्केट में मैं जितनी अवेलेबल है उतनी आपको दिखा देता हूँ। तो एक ये भी आई थिंक ये भी, हाँ ये भी शिंजाई की ही है। ये बड़ा साइज़ है, 1:24 के आसपास ही होगा, एग्जैक्ट मुझे लग नहीं रहा, बाकी शायद हो भी सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब 1:24 के आसपास ही होगा। इसमें सनरूफ का स्कोप भी दिया हुआ है, बट नहीं, एंड ये बोनेट है, मतलब इसकी डिटेलिंग सबसे बेकार ही है। डोर्स भी ओपन होते हैं, डिक्की भी खुल जाती है। तो एक ये भी आती है, तो ये मतलब मार्केट में अभी भी अवेलेबल है। इसमें फ़ोटोज़ आपको जो अमेज़ॉन में फ़ोटोज़ दिखेगी वो दिखेगी इसकी या इसकी किसी की, या सेंटी वाला मॉडल होगा, बट वो भेजेंगे ये या ये या एक ये स्पीड एज की आती शायद, ये भेज देंगे। ये वाली नहीं मिलती मार्केट में, सारी ये बंद हो चुकी हैं। इसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो मेरे पास शिंजाई का एक ये वाला मॉडल है, मिनी टॉय वाला, एंड एक मेरे पास एक और ये वाला है, इसमें पीछे टायर लगा हुआ था वो निकल गया, मतलब जिससे मैंने लिखी उन्होंने पहले लगा के दिया था। इसमें भी पीछे नीचे आई थिंक मिनी टॉय लिखा है, हाँ। तो ये भी शिंजाई वाली ही है, इसमें भी डिटेलिंग बहुत कम है, बट थोड़ा बहुत पेंट करने के बाद थोड़ी बेटर बन सकती है, बट जैसे इसके रूफ फ्रेम्स हैं थोड़े ज़्यादा ही मतलब ख़राब दिखते हैं, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करने का सोचा था, मतलब फ्यूचर में ही करूँगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इसके बाद जो है वो ये एक और है मेरे पास शिंजाई की, तो ये मैंने काफ़ी पहले ली थी, तो ये भी ठीक है, मतलब अगर आपको चाहिए फिलहाल मार्केट में यही मिलेगी, वरना कोई और नहीं है। एंड ये एक मैंने बहुत पहले 2-3 साल पहले 3D प्रिंट करी थी, एंड ये भी इसके पास व्हील्स नहीं है, तो मैंने इसको पेपर वेट रखा हुआ अभी सिर्फ, क्योंकि वेट इसका काफ़ी है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम के आसपास है ये। तो ये 3D प्रिंट करके पेंट करी थी, बट ये इसके व्हील्स नहीं है, तो ये ऐसी रखी हुई है अभी मैंने, ये भी मेरी अपनी ही है। एंड ये FDM में बनी थी, तो ये प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है, ये रेजिन वाला 3D प्रिंटिंग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो 2004 या 2005 में जो स्कॉर्पियो आई थी, ये फर्स्ट जनरेशन वो है, बट ये इसका मॉडल मेरे को आता था मार्केट में, वो इतना रेयर हो चुका कि मिलता नहीं है। तो मेरे पास सेकंड जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट थी, उसको ही मैंने फर्स्ट में कन्वर्ट करा है, फर्स्ट जनरेशन आई थी, फेसलिफ्ट नहीं है, फेसलिफ्ट वाली ये है। जो रियर टेयर लाइट्स थी वो डिफरेंट थी, मतलब वो लंबी वाली थी थोड़ी, तो इसमें ये वाली लाइट्स मैंने लगाई तो थी, बट अभी मैं इसका स्टिकर बना के बाद में फिर से लगाऊंगा, मैंने बहुत पहले बनाई थी, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। एंड इसका मेजर इसमें डिफरेंस क्या है था कि ये जो फ्रंट बम्पर है, ये आप देखो जो सेकंड जो फेसलिफ्ट आई थी इसकी, तो इसमें बम्पर नीचे भी आता है, एक मड फ्लप टाइप से आते हैं, वो नहीं होते हैं, तो वो मैंने रिमूव कर दिया, एंड ये बम्पर लगाया जो आता था, ये DX मॉडल है, तो ये उस टाइप की बनाई थी ड्यूल टोन में, जिसमें ब्लैक बम्पर आते थे। एंड इसमें व्हील्स थार वाले हैं, जो M12 की थार आती थी, जो साथ आती थी वो नहीं है, सेंटी टॉयज की ही है ये, बट ये फेसलिफ्ट वाली थी, स्केल इसमें लिखा हुआ 1:32। तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, एक ये स्पीड एज वाली भी है, ये इतनी कुछ खास नहीं लगती मेरे को, मतलब प्रोपोर्शनेट भी नहीं है, अब फ्रंट से तो लग लग 44 या जैसे एक वो आती थी, मैं नाम भूल गया, गाड़ी राइनो एक गाड़ी आती थी उसकी तरह दिखती है, बट एक किसी भी तरह से स्कॉर्पियो नहीं लगती, और पीछे से भी बहुत बेकार है। इसमें बल्कि एक मेटल वाला मॉडल भी आता था स्पीड एज टॉयज का ही, उसका कुछ नाम और था, शादीलाल कंपनी का आई थिंक सब कुछ ऐसे नाम था, मैं डाल दूंगा नीचे, ये सनवे, हाँ सनवे नाम था उसका, तो वो सनवे की भी आती थी मेटल वाली स्कॉर्पियो, इनोवा भी आती थी उनकी मेटल वाली, वो मेरे पास है, आपने मेरी टोयोटा की कलेक्शन वीडियो नहीं देखी तो उसमें डाली हुई है मैंने, जो टैक्सी बनी हुई है। एंड ये वाली स्कॉर्पियो भी काफ़ी सही है, मतलब इतना कुछ बेकार नहीं लगता मेरे को, मतलब एक एज अ टॉय ठीक है, बट स्केल मॉडल इसको हम नहीं कह सकते। तो आपको मैंने ये भी दिखा दी। अब ये सेंटी टॉयज की आती है अलग से एक और ब्लैक कलर में, ये भी मैंने किसी से सेकेंड हैंड ही ली थी, तो इन्होंने मेरे इसमें मिरर्स नहीं आते, मिरर्स उन्होंने जो पहले ओनर थे उन्होंने पहले से ही लगाए हुए थे। एंड ये पेंटेड भी आई थिंक ये बेस कलर ऐसा कोई और है, ये पेंट उन्होंने ब्लैक में करी हुई है, ये रेड कलर की थी, ये देख लो आप, यहाँ पे उन्होंने ब्लैक पेंट करी हुई है, इसको भी मैं फिर से रिस्टोर करूँगा थोड़े टाइम में। एंड
एंड ये काफ़ी, मतलब ये तो प्रोपोर्शनेट है पूरी, एंड बहुत अच्छी, मतलब सेंटी ने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई थी, पता नहीं क्यों बंद कर दी, इतना अच्छा स्केल मॉडल था इसका स्कॉर्पियो का। इवन इससे जो फर्स्ट जनरेशन थी ना, उसमें रूफ रेल्स में भी जो रूफ रेल्स थी उसकी वो सिर्फ यहीं तक आती थी, एंड थोड़ा सा कर्व था उसमें, थोड़ा डिफरेंस था डिज़ाइन में, लेकिन बाद में उन्होंने ये लंबी वाली बनाई थी तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी उसकी। मैं फोटो साइड में अटैच कर दूँगा। तो एक और मेरे पास ऐसी है जिसमें मैंने लाइट्स में इंस्टॉल करी थी, वो कहाँ पड़ी है, वो कहाँ, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। तो ये मैंने बहुत पहले, मेरे को क्रिश भाई ने सेल करी थी, ऑटोमोबाइल क्रिएटर्स करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने मेरे को सेल कर दी थी, उन्होंने बंद कर दिया था अपना उस टाइम पे कलेक्शन, तो उन्होंने मेरे को सेल कर दी थी। एंड ये काफ़ी अच्छी है, इसमें अलॉय व्हील्स थोड़ी मैंने चेंज, मतलब व्हील्स चेंज करें, अलॉय व्हील्स को क्या करें इसको हम, तो इसमें व्हील्स ये वाले डाले हैं सेंटी के, आई थिंक किस गाड़ी में आते हैं, सेंटी के जो जी पावर आती है उसमें ये वाले व्हील्स आते थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। एंड वैसे इसमें ये वाले व्हील्स आते थे, या फिर इसमें एक और व्हील्स आते थे जो बाद में, नहीं इसमें सिर्फ यही व्हील्स आए, आई थिंक बाद में फॉर्चूनर वाले व्हील्स भी शायद उन्होंने देने स्टार्ट करे थे, बट उन्होंने गाड़ी ही बंद कर दी बनानी। तो ये वाला मेरे पास ड्यूल टोन में है, इसमें बल्कि मैंने लाइट्स भी इंस्टॉल करी हुई है, ये यहाँ से चार्ज होती है, बट इसका चार्जर नहीं मुझे कहीं मिल रहा, इसमें ये नोकिया वाली पतली पिन लगी हुई है, मैंने खुद ही इंस्टॉल करा था, इसका चार्जर पता नहीं कहाँ गया था, चार्ज नहीं हो पाती। एंड इसमें फ्रंट में लाइट है यहाँ पे एंड फॉग लैंप में भी लाइट्स हैं जो वर्किंग है, एंड रियर में भी लाइट्स है जो वर्किंग है, बट वो चार्जर के ऊपर है, चार्जर नहीं मिलता। एंड इसमें मैंने मिरर्स भी लगाए हैं, तो ये मिरर्स हैं मर्सिडीज एक्स क्लास के, जो किन स्मार्ट की आती है 1:36 स्केल में, तो उसके मैंने मिरर्स काट के इसमें लगा दिए, एंड काफ़ी सही लगती है, एंड मिचलिन का स्टिकर, एंड मैंने यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगाई है मर्जी की। एंड ये है इसमें नीचे एक बटन जिससे सारी लाइट ऑन हो जाती थी, बट अभी तो फिलहाल चार्जर मिल गया, तो वही बड़ी बात है, अब मिलता ही नहीं कहीं पे भी। तो इसमें मैंने एक ये नेट जियो का स्टिकर लगाया था, एंड महिंद्रा एडवेंचर का स्टिकर लगाया हुआ। एक मेरे पास ये है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एंड इसके बाद है ये 3D प्रिंटेड, ये मेरी नहीं है, किसी कस्टमर की है, इसकी पूरी वीडियो बना के मैंने डाली है अपने चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ये केतन भाई ने प्रिंट करी हुई है, बट ये कस्टमर से इनका पेंट खराब हो गया था किसी तरह से, तो मेरे को रिस्टोर करनी पड़ी। तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया केतन भाई ने, तो अगर आपको ये मॉडल भी लेना हो तो केतन भाई के पास अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। तो ये भी काफ़ी सही लगती है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसका पेंट इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्वियसली वो पेंट खराब हो गया था, तो उतारना भी उतना मुश्किल होता है। पूरी वीडियो जरूर जाके देख लीजिए, वो मेरे चैनल पर डली हुई है, मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो ये मस्त है, इसमें लाइट्स वगैरह सारी मस्त बना दी मैंने। एंड ये देखो नीचे केटन का इसमें वो है उनका बेस, काफ़ी अच्छी इसमें, बल्कि उन्होंने व्हील्स भी वो वाले सेम सिमिलर बनाए हैं इसमें, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये अलग करते हैं, उसके बाद आती है ये वाली, 2009 में फेसलिफ्ट आई थी, इसके बाद वाली, इसके एंड ये वाली जो है, इसके बाद ये फेसलिफ्ट आई थी स्कॉर्पियो की। तो ये निकाली थी M12 ने, तो ये M12 महिंद्रा की कंपनी है, बट इन्होंने आई थिंक ये बाहर से मैन्युफैक्चर करवाई है, इंडिया में बनवाई थी, अब पता नहीं कहाँ से बनवाई, मुझे भी आइडिया नहीं है। मेड अंडर लाइसेंस लिखा हुआ है इसमें, मेड अंडर लाइसेंस फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इंडिया एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो स्केल 1:32 सेंटी नहीं है ये, किसी और से बनवाई है इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, बट इसका वेट भी ठीक है, एंड व्हील्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, एंड कलर देखो कितना प्यारा है। ये भी पेंटेड मॉडल है, ये येलो कलर का था, ये मेरे को दिया था राहुल घोष भाई ने, वो एक मैगजीन है ऑटो इंडिया करके, उसके एडिटर हैं, उन्होंने मेरे को दिया था, उनसे लिया था। तो ये बहुत अच्छा स्केल मॉडल है, एंड ये येलो कलर में था, और ये मतलब बहुत ही गंदी हालत में था, तो इसको रिस्टोर करा था, एंड रिस्टोर ये करा था, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने रिस्टोर करा था ये, उनको मैंने गाड़ी दी थी, उन्होंने बाहर से पेंट करवा के बहुत ज़बरदस्त बना के दी थी। तो ये बहुत सही है, एंड इसमें पेंट हुआ हुआ महिंद्रा का जो पर्ल वाइट आता था ना, डायमंड पर्ल वाइट, वो वाला पेंट है जो इसमें भी हो रखा है, सेम बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हल्का सा येलो स्पिन ज़्यादा है, बट ये ऑलमोस्ट सेम है ये वाले, ये भी मैंने बाद में खुद से बनवाया था, ये हल्का सा येलो हो गया था जो मैंने पहले बनवाया था पेंट। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, स्टिकरिंग इसमें मैंने खुद करी है, ये वाली जो स्टिकरिंग इसमें नहीं आती थी, बल्कि ये मॉडल वाइट में भी आता था, एंड इसमें तीन कलर्स अवेलेबल थे आई थिंक, वाइट, ब्लैक एंड सिल्वर एंड एक ब्राउन, एंड हल्का सा जो उसके बम्पर्स थे वो गोल्डन आते थे ये कलर, एंड येलो भी था, ये येलो वाली थी, तो चार कलर इसमें आते थे, इसको पेंट करके बहुत अच्छी बना दी। मेरे पास होती थी इससे पहले जो ब्राउन वाली थी, ब्राउन एंड हल्का सा जो नीचे गोल्डन शेड आता था वो वाला, हमने एक्सचेंज कर ली जिससे जिन्होंने ये रिस्टोर करी थी, क्योंकि मुझे वाइट चाहिए था, बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसमें नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, पीछे स्टिकर सारे मैंने लगाए हुए हैं, ये उन्होंने लगा के भेजा था, ये स्टिकर मैंने बनाया है, एंड ये वाला भी साइड वाला भी। तो इसके बाद आते हैं सबसे, ये भी बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब कहीं नहीं आपको मार्केट में मिलेगी, आपको इसका जो अल्टरनेटिव है ये है जो केतन भाई ने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक ये आती है, ये दोनों गाड़ियाँ ना सबसे ज़्यादा रेयर हैं, उसके बाद ये आती हैं ये वाली, एंड जो फर्स्ट जनरेशन है वो भी बहुत रेयर है, अब कहीं नहीं मिलेगी, कोई कलेक्टर सेल कर रहा होगा तो बहुत हाई प्राइस में देगा। तो ये वाला है, ये सिर्फ सारी जो पहले आपको दिखाई है सारी प्लास्टिक मॉडल है, एंड जो ये वाली है ये रेजिन में बनी हुई है, एंड ये वाला है ये काइंड ऑफ प्लास्टिक है, एंड ये वाला जो है ये वाला मेटल का है,
ये बहुत सही मॉडल है, ये भी मेड अंडर लाइसेंस लिखा हुआ है इसमें, सेम वही चीज़ है। एंड इसके व्हील्स भी काफ़ी डिटेल्ड हैं, बट इसमें क्या होता है अगर आप व्हील्स ओपन करने की कोशिश करो तो टूटने के चांसेस इसमें रहते हैं। एंड इसका जो था ऊपर का एंटीना वैसे गुम हो गया, एंड इसमें मैंने सेम स्टिकरिंग करी है, काफ़ी अच्छी लगती है, बट ये प्रॉपर हुई नहीं है, इसमें लाइट में थोड़ा सा क्रैक आ गया, ये ओवर द टाइम आ ही जाता है थोड़े मॉडल्स में, बट ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। डिटेलिंग मैं कहूँ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट गाड़ी का मॉडल बहुत प्यारा है, मतलब जैसे इसमें इंटीरियर नहीं है बट स्टिल एक्सटीरियर के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छी डिटेलिंग है। एंड पीछे मैंने नंबर प्लेट लगा दी है, स्टिकरिंग तो वो हो ही रखी है, इसका वाइपर भी देखो ये हल्का सा वर्किंग है, इतना वर्क होता है, ये फोकस नहीं हो रहा, तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है, हैवी काफ़ी आई थी मेरे पास अभी वो नहीं है, काफ़ी हैवी मॉडल है ये, एंड सबसे बेस्ट लुकिंग भी यही है, मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी कहीं नहीं मिलता है। एंड इसका प्राइस ना ही पूछो, क्योंकि ये पहले तो बहुत सस्ता मिलता था, 400-500 का स्केल मॉडल है, बट अभी मार्केट में अगर किसी कोई सेल भी करेगा तो वो तो अगर आप इसको लेना भी चाहो ना तो कोई कलेक्टर देगा नहीं, और अगर कोई देगा भी तो बहुत ज़्यादा प्राइस लेगा, 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर भी ले सकता है किसी भी मॉडल के जो अवेलेबल नहीं है, बट सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है, उसके बाद इसकी आती है, एंड फिर सेंटी वाले मॉडल्स हैं, ये शायद आपको फिर 5-6 हज़ार में कोई दे देगा अगर किसी के पास हो, अगर वो शायद मॉडल अगर थोड़ा ख़राब हो। एंड इसके मीटर्स भी काफ़ी डेलिकेट थे, ये गिर भी जाते हैं, तो रिलीज की है ये, आए थे आई थिंक 2013 या 2014 में ये मॉडल आया था, काफ़ी सही था। एंड ये मैंने ख़रीदा था 2017 या 2018 में लिया था शायद मैंने, बट ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब मज़ा आ जाता है इसको देख के, तभी इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। तो इसके बाद एक और मॉडल आता है, वो भी केतन भाई भी प्रिंट कर रहे हैं 3D प्रिंट में, S11 वाला, तो वो मेरे पास है नहीं, वो मैं लूँगा फ्यूचर में उनसे, तो वो अभी लेंगे तो दिखाएंगे। मैं बताता हूँ मेरे पास कितनी स्कॉर्पियो है, पहले 1, 2, 3, 4, ये मेरी नहीं है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 मॉडल्स हैं, जिसमें से ये 3 सेंटी के हैं, एक ये सेंटी का है, एक ये सेंटी का है, एंड ये भी सेंटी का है, एक स्पीडेज का है, एंड 2 शिंजई के हैं, एंड 1 शिंजई का ही बड़े वाला है, सॉरी 3 शिंजई के हैं, ये भी सेम ही है, तो 3 शिंजई के, एंड चौथा ये भी शिंजई का ही है, तो काफ़ी मॉडल्स हैं एंड काफ़ी प्यारे लगते हैं 11 मॉडल्स पड़े हुए इतने सारे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो मतलब डिटेलिंग है ना मॉडल्स में, बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो ये जो केतन भाई ने बनाया कितना अच्छा लग रहा है, आप देख लो, काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। एंड जो S11 उन्होंने बनाया वो भी बहुत रियलिस्टिक है, और मैं फ्यूचर में लेके बनाऊंगा एक, उसकी वीडियो डालेंगे, तो ये देखो कितना मस्त लग रहे हैं स्केल मॉडल्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा है इन सब में से। मेरे को तो देखो ये वाला लगता है सबसे बेस्ट ये, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, एंड ऐसी वीडियोज़ में और डालता रहूँगा।